जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज है हम लोग का रोहन, जो कि खास करके किसान लोग मनाते हैं गांव में। तो आज रोहन है और आज मैं गोबर लेके चारों तरफ दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये रोहन का होता है कुछ काम, मुझे तो उतना डिटेल से नहीं पता, मम्मी को पता होती है, लेकिन देखते हैं कि सब घर भर में दे रहा है वो, और देना चाहिए। मुझे कल ही चाची लोग बोली थी कि देना चाहिए। और ये इसको देने से क्या होता है ना, बाहरी जो दुष्प्रभाव होती है वो घर नहीं घुसता है और सब घर में स्वस्थ रहेंगे। और आज किसान का बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन में बीज निकालते हैं और खेतों में डालते हैं, और क्या बोलते हैं, जो भी हो तो रुपाई होती है। तो आज से ही किसान का किसानी काम शुरू हो जाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे करके हम लोग गोबर देते हैं चारों तरफ। ये देखिए, ऐसे करके देते हैं हम लोग, तो घर के चारों और बाहर तरफ भी देंगे। तो दोस्तों, आज पूरा घर आंगन चारों तरफ गोबर से नीपना चाहिए। लेकिन बात यह है कि देख रहे हैं, मौसम ऊपर तरफ दिखा दो मौसम बहुत सुहाना है, पानी गिरने वाली है। और ऑब्वियसली आज लास्ट पानी है शायद, तो आज तो पानी गिरेगी, इसीलिए मैं गोबर से नीपूंगी नहीं, बस ऐसे करके छीटा दे देती हूँ ताकि शुद्ध हो जाए। घर तरफ घर सब नीप दूंगी, लेकिन बाहर तरफ मैं थोड़ा छीटा मार देती हूँ चारों तरफ बाहर का। तो दोस्तों, आपने देखा मेरा सुबह का जो हार्ड वर्किंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आज स्पेशल कुछ एडिटिंग बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ तो आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। उससे पहले मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ आज का मेरा रूम कितना कंप्लीट हुआ है। चलिए मुझे फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारे नए रूम, जो कि लास्ट फिनिशिंग बाकी है, वो चीज हो रही है। और सभी अभी लास्ट फिनिशिंग बाकी है, साइड इधर जमीन का फ्लोर हो चुकी है और साइड जो कॉर्नर बाकी थी वो भी हो चुकी है, और अभी साफ सुथरा किया जा रहा है। अब थोड़ा सा अभी बाकी है, अभी क्या बाकी है थोड़ा सा अभी, हाँ, बॉर्डर जो थोड़ा थोड़ा बाकी है वो अभी कर रहे हैं, जो कि सुल्तान भैया जी बहुत ही अच्छा तरीके से किए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और अभी जैसे कि हमारे यहाँ का क्या प्रॉब्लम था बताओ, कि जितना भी मिस्त्री मिला कैसा कैसा कांड किया, बहुत बहुत कांड किए रूम बनाने के लिए, जिसमें हम लोग का क्या बोले 15 दिन का रूम था, उसमें हमारा 6 महीना लग गया, मतलब कितना हार्ड वर्किंग हुई आप समझ सकते हैं। एक सिर्फ कंप्लीट हो गया हमारे फ्लोर का एक, इसको मतलब अब इसको छूना नहीं है, बाकी अब छूना है ये दीवार सबको, क्योंकि इसमें पैरिस वगैरह लगना बाकी है। हाँ, तो ये कुछ सीन है। और चलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, और मैं क्या आज एडिटिंग खास करके एकदम बहुत ही जबरदस्त का बनाने वाली हूँ। अरे रे जा, देखो ऊपर से, अच्छा अच्छा ऊपर से है तो ठीक से, अभी ये चीज पूरा ठीक से बैठा नहीं गया है, थोड़ा नॉर्मल सिर्फ बैठा दिया कि पार होना है, नहीं तो अभी चिपका देंगे, तो अभी देखे जैसे कि सिस्टर का किया कांड, उसी तरह सब कांड करके यहाँ पर बैठा रहता है। तो अभी सिस्टर जी क्या बनाएगी स्पेशल, आप लोग अभी दिखाई देगा, तो ब्लॉग पे आप लोग कंटिन्यू रहिए। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि मैं बोली थी कि मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, तो चलिए मैं स्पेशल क्या बनाती हूँ तो दिखाती हूँ, पहले उसको पकड़ तो लूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, उड़ गई, चली गई, अब मैं क्या करूं। चलिए मैं, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से कोई अच्छा डिश बना के दिखाती हूँ। चलिए, नेवर देसी जुगाड़, जब आपको छिलनी मिलनी कुछ ना मिले, ग्लास लीजिएगा, ऐसे से कर दीजिएगा, 1 सेकंड में छिल जाए तो 2 मिनटों ना लगी। मैं इतना अच्छा वेजिटेबल बनाने वाली हूँ कि जो एक बार खाए सो बार बार खाए। कद्दू की सब्जी,
का दे रही है, का दे रही है। सच में दोस्तों, इसकी मैं आज कद्दू रोटी कभी खाए हो? मैं आज कद्दू पराठे बनाने वाली हूँ, कद्दू का पराठा। देखिए तो कैसे बना। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह ही बताया था कि आज हम लोग का रोहन है, तो उसके लिए मैं रोहन मिट्टी लाने जा रही हूँ। और उनका पत्ता जो घर के चारों ओर लगाया जाता है, दिया जाता है, उसमें क्या होती है जो कि सांप बिच्छू घर के अंदर नहीं आते। तो चलिए मुझे थोड़ा हमारे खेत तरफ से भी घूम के आइए। तो देख रहे दोस्तों, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। और देखिए मेरा पापा, ये देखिए चारों तरफ हरी हरी। पानी गिरा ना तो सब एकदम खिलखिला के उठ गया है, जितना है पेड़ पौधा, जितना है सब कुछ। चलिए हमारी खेत ले चलते हैं आप लोगों को। मौसी जी, आप चप्पल कहीं नहीं पहना है? चप्पल? अरे ये यहाँ मंदिर में चढ़ाएंगे ना, अले मंदिर में चढ़ाएंगे, इसलिए चप्पल नहीं पहना। पत्ता सब कहीं टोलना टोलना, पत्ता तुलसी मंदिर में चढ़ाएंगे ना, चलो ना दिखाएंगे तुमको ये पूजा का, इसलिए चप्पल नहीं पहने। ठीक है मुझे आप मिट्टी में मिट्टी भी ले जाएगा तुलसी फुला के ऊपर? हाँ रे, भी मंदिर में चढ़ाया जाता है। मंदिर कौन वाला मंदिर? तुलसी, तुलसी मंदिर, तुलसी मंदिर। मुझे जी आप पीछे का ही नहीं, मतलब उधर कोई बुला लाए। ये मिट्टी लेके पीछे तरफ नहीं देखना चाहिए, समझे? तो ये है हमारी पूजा। पता है इसमें क्या क्या फायदा है मिट्टी को साइड साइड में देने से भाई? इसको देने से ना जितना भी होता है ना, आज हमारे रोहन पूजा है तो उसी के लिए ये चीज शाम के लिए लाया जाता है, मिट्टी। और ये पत्ता क्या नाम है इसका? इसका बोलते हैं सहारा। सहारा, आप लोग क्या बोलते हैं? देख लीजिए पत्ता, आप लोग क्या बोलते हैं अगर कमेंट करके बताइएगा। तो इसको आज पूजा है और इसको घर के चारों ओर दिया जाता है ताकि कुछ भी नेगेटिव जो घर में प्रवेश ना करे और सांप वगैरह है ये सब ना अंदर आए घर में, इसलिए ये किया जाता है। कीड़ा मकोड़ा आज के दिन से बहुत ज़्यादा निकलती है, बारिश के टाइम आने लगी ना, तो इसी कारण, तो इसीलिए ये दिया जा रहा है चारों ओर, ये कोना कोना में दिया है। उसके बाद घर का भी चारों ओर जितना भी है वह अभी देखे अभी रेडी करेगी सिस्टर। ये मैंने कद्दू उबाल के रख लिया है, पूरा अच्छा से पक गया है। मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ, मैंने पीसा हुआ मसाला है ये, मैंने सारा मसाला डाल दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा तीखा दीजिएगा ना तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं सब्जी मसाला दे देती हूँ। मेरी पानी गर्म हो चुकी है, ज्यादा गर्म हो गया, इसको इसी से उठाते हैं। ये मैंने डाल दिया है, ये मैंने सब्जी डाल दिया इसमें, और मैं ऐसे करके इसको मिला देती हूँ। ज्यादा तो नहीं ना हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा तेल से ही काम हो जाती है। देखिए मैंने क्या लगाया, देसी जुगाड़ू आलू मैंने काटा और उसका ऐसे करके छुरी में घुसा दिया। आ घुसेड़ के चारों तरफ मिला रही, बहुत अच्छा मिल रहा है। ये हो गया देसी पराठा, ऐसे हम लोग इसको छिलका बोलते हैं। अब आप लोग पराठा बोलते हैं या छिलका बोलते हैं वो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये खाए हैं कि नहीं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये मेरा तैयार हो गया है चावल का परोठा, चावल का छिलका जो भी हो। मैंने क्या बनाया है, ये बनाया मैंने, बैठा समीर वैसे नहीं बैठते, मैंने चाय और छिलका बनाया। तो हम चाय के साथ ये छिलका खाने में बहुत पसंद करते हैं, चाय के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ बाबू लो, सुभम तुम लो, और ये आप लोग का हो गया ना, तो ये तुम्हें वहाँ पर एक है ले लो, हाँ ले लो। और ये रहा छोटा भाई, छोटा भाई चाय नहीं पीता इसलिए मैं चाय को हटा देती हूँ।
अच्छा चलो तुम लोग खा के बताओ, आज मैं नहीं टेस्ट करूंगी, तुम लोग टेस्ट करके खा के बताओ कैसे बना। खा तू कैसे बना है, खा के दिखा तू नूनी। तो दोस्तों ये भाई को तो मैं चाय नहीं दे सकती क्योंकि भाई का शुगर है, आप लोग को सभी को पता होगा शायद, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सब्जी मैंने दे दिया भाई को। अरे चलो बताओ कैसे बना है। क्या जोर से बोलो, बहुत ही अच्छा। अच्छा बना है फुचकी, कैसा बना है? अच्छा बना है। अरे चलो फुचकी में बोल दिया, अच्छा बना है ना। वाह वाह, अच्छा ठीक है। ये मैंने कद्दू का परोठा बनाया, आप परो हम लोग छिलका बोलते हैं ऐसे, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लौकी लौकी। हाँ तो वो मैंने बनाया है, और क्या बोलते हैं कि आप देखा ही आपने स्टार्टिंग से, आज हम लोग का पूजा था। इधर आइए मेरे पापा, इधर धुआं में कुछ दिखाई नहीं दिया होगा, ये मेरे पापा है और बना रहे हैं मीट। आज हम लोग का ग्राम पूजा था जिसमें चंदा पूरा गांव का ली जाता है 500-500, और वहां पर मीट देते हैं जो घर के अंदर हम लोग नहीं घुसाते हैं। ये मीट को हम लोग घर के अंदर नहीं घुसते, ये सिर्फ जेंट्स खाते हैं, पापा लोग भाई लोग वही लोग खाएंगे, लेडीज का इसमें कोई हाथ नहीं। और तो आज का हम लोग का ग्राम पूजा भी हो गया, और आज मैंने बच्चों के लिए कुछ चावल का जो छिलका है वो भी बना के खिला दिया, और बच्चा बहुत पसंद कर रहे हैं चावल। चावल का समझ में नहीं आया, और ये देखो इसको समझ में नहीं आया, चावल का ना आटा का, चावल का। अरे बाबू, तो आई होप दोस्तों आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ब्लॉग वीडियो आप लोग को देखने को मिले। और दोस्तों थैंक यू सो मच कि मेरी फैमिली और बड़ी हो गई है, मेरी 33K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।